आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे पूरे परिवार? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो जी, ये सुबह का वक्त है और देखिए मौसम कितने अच्छे हुए हैं। और अगर मौसम अच्छा हो तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना आज घर की साफ सफाई कर दिया जाए। और कुछ ऐसे भी काम होते हैं जब मौसम अच्छे होते ही हैं तब हम करते हैं, तो आज हम वही काम करेंगे क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छे हैं। तो जी, सासू माँ के बिस्तर में जो गोंता बिछाए थे उसे मैंने बाहर सुखा दिए हैं, और साथ ही रियान के पापा ने जो पलंग के गद्दे उसे भी बाहर सुखा दिए हैं क्योंकि आज मौसम अच्छे हैं तो दोनों में अच्छी तरह से धूप लग जाएंगे। तो जी, मैं अभी आई हूँ कपड़े धोने के लिए। एक्चुअली मैं सुबह ही मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए तैयारी कर रही थी, पर जब मैंने ऑन किया तो बहुत साउंड आने के कारण मैंने सोचा क्यों ना आज इस तरह से ही कपड़े धो दिया जाए। और वैसे भी कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है तो मैंने सुबह ही सर्फ में सारे कपड़े को भिगो कर रख दिए थे, और थोड़े थोड़े करते हुए मैंने बाकी कपड़े को धोकर सुखा दिए थे। बस अभी इतने ही रह गए हैं तो इसे भी हम धो देंगे। और रियान के पापा ने वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए कह दिए हैं तो शायद शाम तक ठीक हो जाएंगे। तो आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम लोगों को हौसला मिलते हैं और ये भी पता चलते हैं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम जल्दी से सारे कपड़े को धो लेते हैं, और सारे कपड़े को धोने के बाद मुझे रियान को नहा देना है। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मेरे किचन की क्लीनिंग रूटीन, तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए हम सारे कपड़े को जल्दी से धोकर बाहर सुखा देते हैं। तो जी, यहाँ मैंने सारे कपड़े को सुखा दिए, तो अभी काम है कि रियान को जल्दी से नहा दे। तो देखिए यहाँ रियान अपने भैया के साथ किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मैं जल्दी से रियान को नहा कर निकाल देती हूँ ताकि उसे ठंड ना लगे। और जो लंच बनाने का काम था वो मैंने सुबह ही ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि आज तो मौसम ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो काम हम बहुत दिन से किए नहीं थे वो आज करेंगे। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक है तो मैंने सोचा कि आज ही यह काम कर दिया जाए क्योंकि मौसम का कोई यहाँ भरोसा नहीं। मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग नहा लिए, बस रियान के पापा अभी शेरू को नहा देंगे, उसके बाद रियान के पापा भी नहा लेंगे। और वैसे भी सुबह ही मैंने लंच बना दी, अगर किसी को भूख लग भी जाए तो रियान के पापा तो आज घर पर है तो वही दे देंगे सभी को। तो जी, बातों ही बातों में हमारा बाकी काम तो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं अभी आई हूँ किचन। तो यहाँ मैं सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ फ्रिज, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि फ्रिज को साफ कर दिया जाए, पर हमारे फ्रिज में बहुत सारे सामान थे तो मैंने सोचा कि थोड़े खाली होने के बाद ही साफ करूंगी। तो यहाँ हमारे आज फ्रिज में थोड़े सामान कम है तो मैं अभी अच्छी तरह से ये फ्रिज को साफ करूंगी क्योंकि आज तो मौसम अच्छे भी हैं, तो जो आज हम धोएंगे उसे बाहर सुखा देंगे ताकि वो भी जल्दी से सूख जाए। तो सारे सामान को मैं निकाल देती हूँ। तो यह जो कांच के प्लेट है उसे मैं साबुन की मदद से इसे अच्छी तरह से धो दूंगी, धोने के बाद इसे बाहर सुखा दूंगी ताकि वो जल्दी सूख जाए। वैसे तो आप कपड़े से भी पोंछ कर यूज़ कर सकते हो, पर आज मौसम अच्छा है तो इसी तरह से मैं अच्छी तरह से धोकर इसे बाहर सुखा दूंगी। फ्रिज को तो हल्के फुल्के हमेशा साफ करके रखना जरूरी है, पर इस तरह से साफ तो आपको महीने में 2 या 3 बार तो करना ही चाहिए। पर तबीयत खराब होने के कारण मैंने यह महीने एक बार भी नहीं किए, तो आज मैं यह काम जरूर करूंगी। तो अच्छी तरह से मैं साबुन की मदद से इसे धो दूंगी ताकि जो भी गंदे चिपक गए वो निकल जाए। और इस तरह से फ्रिज का जो क्लीनिंग रूटीन होता है वो हमेशा हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि यह फ्रिज कम अलमारी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सामान हम यहीं रखते हैं तो सोचते हैं कि थोड़े कम होने के बाद ही हम साफ करेंगे। तो जी देखिए, आप लोगों से बात करते करते हमने सारे ग्लास को धो दिए, तो अब मैं इसे अच्छी तरह से धूप में रख दूंगी ताकि धूप के कारण ये जल्दी सूख जाए। और मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका यह सवाल है कि आप कहाँ रहते हो, या फिर आप जंगल में रहते हो, या फिर आपके आसपास कोई रहते हैं या नहीं। तो मैं ये बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो घर बहुत कोने में, और यह बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, यह आम का पेड़ है, तो आपको यही लगता होगा कि हम जंगल में रहते हैं या जंगल के साइड में। तो मुझे धूप में जो भी सुखाना था वो मैंने सुखा दिए हैं। तो अभी मैं आई हूँ किचन, तो यहाँ मैं सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ फ्रिज को। तो यहाँ मैंने फ्रिज को साफ़ करने के लिए कपड़े का मदद ली है, तो मैं इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो गीले कपड़े से मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और दोबारा सूखे कपड़े लूँगी और इसे अच्छी तरह से पोंछ लूँगी ताकि जो भी पानी हमारा रह गया है वो सूख जाएंगे।
तो देखिए मैं इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी ताकि जो भी पानी है या कुछ भी अगर रह भी गया होगा वो निकल जाएंगे। फ्रिज के अंदर का तो जो भी मुझे साफ़ करना था वो हमारा हो चुका है, तो अभी हमारा काम है कि फ्रिज के बाहर जो थोड़े गंदे हो गए उसे साफ़ कर दे। तो यहाँ मैं सूखे कपड़े से इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और जो ये फ्रिज का कवर है मैंने 2 दिन पहले ही धोए थे, तो आज मैं इसे नहीं धोऊंगी, इस तरह से झाड़ते हुए इसे दोबारा लगा दूंगी। तो अच्छी तरह से कवर लगाने के बाद हमने जो धूप में रखे थे वो हमारा सूख चुका है, तो अब मैं इसे लगा देती हूँ। इस तरह से धूप में सुखाना और पोंछकर इस तरह से यूज़ करने में बहुत अंतर होते हैं, क्योंकि अगर आप धूप में रखोगे तो थोड़ी स्मेल भी हट जाते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। तो मैं तो हमेशा धूप में सुखाने के बाद ही यूज़ करती हूँ, और अगर मौसम ख़राब हुआ तो ही मैं पोंछकर इस तरह से यूज़ करती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी मैं नहीं करती। तो सभी को मैं इस तरह से लगा दूंगी, और जो सामान मैंने बाहर निकाल के रखे थे उसे मैं यहाँ डाल दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सामान हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फिर मेल्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बटर को फ्रिज में ही रखती हूँ, अगर मैं बाहर रखूँ तो सारे मेल्ट होने के कारण वो प्लेस गंदे हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घी या बटर या कोई भी मेल्ट होने वाले सामान होते हैं मैं ज़्यादातर फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं रखती। और आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा फ्रिज थोड़े छोटे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम सामान यहाँ रखे जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या फिर मैं महीनों में एक बार यूज़ करती हूँ वही सामान को मैं रखती हूँ। और जो भी सूखे मसाले होते हैं वो मैं फ्रिज में कभी नहीं रखती, क्योंकि मैं हमेशा कम क्वांटिटी में ही लाती हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता फ्रिज में रखने के लिए। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं ज़्यादातर सामान को प्लास्टिक में बांधकर इस तरह से रखती हूँ, इसका यह कारण है कि प्लेस हमारे थोड़े कम है, तो मैं इस तरह से रखूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकती हूँ, तो मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा फ्रिज का साफ़ सफाई का काम भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी हमारा काम है कि जो बर्तन रखते हैं वो स्टैंड को साफ़ करें। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन को निकाल दिए हैं। वैसे तो ये सारे बर्तन हमारा डेली यूज़ का है, तो हमेशा धोना तो लगा ही रहता है, फिर भी मैं सारे बर्तन को दोबारा धो दूंगी इस तरह से, ताकि जब तक हम ये स्टैंड धो दें तब तक हमारा पानी सारे गिर जाएंगे और सूख जाएंगे। तो मैं अभी जल्दी से ये स्टैंड को पोंछ देती हूँ। तो यहाँ मैंने गीले कपड़े से इस तरह से मैं साफ़ करूँगी इसे। और डेली यूज़ के बर्तन तो ज़्यादातर हम यहीं रखते हैं, तो ये साफ़ होना भी बहुत ज़रूरत है, अगर ये साफ़ नहीं होंगे तो डेली यूज़ का जो बर्तन है वो हमेशा गंदे ही रहेंगे। तो मैं हमेशा इस तरह से हल्के फुल्के तो साफ़ करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ थोड़े लूज़ हो गए हैं, तो रयान के पापा को कहकर मैं इसे ठीक करने के लिए बोल दूँगी। तो यहाँ मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं, तो अभी हम दोबारा सूखे कपड़े के मदद से अच्छी तरह से पोंछ देंगे ताकि जो भी पानी हमारा रह गया है वो जल्दी सूख जाए। तो अभी हम यह करेंगे कि जो हमने बर्तन धो के रखे थे उसे उसके प्लेस में अच्छी तरह से मिला कर रख देंगे। यहाँ बर्तन के स्टैंड को साफ करने से लेकर बर्तन धोकर रखने का काम सारा हमारा खत्म हो चुका है, तो अभी हमारा काम है कि ये फिल्टर को अच्छी तरह से साफ कर दे। वैसे तो ये फिल्टर में पानी भरने से पहले मैं जरूर धोकर ही पानी भरती हूँ, पर इस तरह से मैं वीक में 2 या 3 बार साबुन लगाकर जरूर धोती हूँ। और शुरू के वक्त रयान के पापा ही इस तरह से धोकर पानी भरते थे, क्योंकि मैं जब भी धोती थी तो कैंडल को तोड़ देती थी। फिलहाल तो मैं अभी धोते धोते आदत हो गई हूँ, तो मैं ही अभी करती हूँ यह काम को। और मेरे हाथों से लगभग 2 या 3 बार कैंडल टूट चुके हैं फिलहाल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो गलती ना हो मेरे हाथों से। और अगर आप हर रोज़ इस तरह से साफ़ करते हुए पानी भरोगे तो आपको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने हल्के फुल्के साबुन लगाते हुए साफ़ कर लिए हैं। तो ये फ़िल्टर साफ़ होने के बाद मैं यहाँ डालूँगी पानी। मैंने सुबह ही पानी बॉयल करके रख दिए थे ताकि वो ठंडे होने के बाद मैं यहाँ डालूँ। तो यहाँ मैंने जो सुबह पानी बॉयल करके रखे थे उसे मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो यहाँ हमारा किचन का तो ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ मैंने बर्तन के स्टैंड को साफ़ कर दिए, फ़िल्टर में पानी भर दिए, और फ्रिज भी हमारा अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। तो जी अभी हमारा काम है कि सारे डब्बे को नीचे रखे और अच्छी तरह से साफ़ कर दे। तो मैं अभी जल्दी से सारे डब्बे को नीचे रख देती हूँ, जो हर रोज़ हमारा यूज़ होते हैं। यूज़ करने के बाद मैं हमेशा उसे साफ़ करके रख देती थी, पर इस तरह से सारे डब्बे को निकाल कर साफ़ किए हुए हमारा लगभग महीने भर होने को है। तो आज मैं सारे डब्बे को निकाल कर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने से पहले मैं यह करूँगी कि ये ऊपर के जो भी हमारा ये पेपर लगाए हुए हैं उसे मैं निकाल दूँगी, और जो ये हमने ऊपर में न्यूज़पेपर लगाए हैं उसे लगाए हुए भी हमारा लगभग महीने भर से ऊपर ही हो गए हैं, तो आज मैं इसे निकाल दूँगी। निकालने के बाद झाड़ू की मदद से मैं अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लूँगी। एक्चुअली में यह है कि हमारा किचन थोड़े छोटे हैं, तो जब भी हम कुछ बनाते हैं उसका तेल धुआँ या जो भी मसाले होते हैं अगल बगल में लग जाते हैं, साथ ही हमारे डब्बे में भी लग जाते हैं। तो यही कारण है कि हमारा किचन थोड़ा जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। और किचन का काम ऐसे होते हैं कि आप जितना भी कर लो ख़त्म ही नहीं होते हैं।
तो यहाँ मैंने थोड़े से पानी में सर्फ डाल दिए हैं और इसे गीले कपड़े से मैं अच्छी तरह से पोंछ दूंगी ताकि जो भी हमारा तेल या थोड़े गंदे हैं वो हट जाए जल्दी से। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। अच्छी तरह से साफ करने के बाद मैं इसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ और जो हमने सारे डब्बे निकाल के रखे थे उसे मैं साफ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पानी में थोड़े सर्फ पाउडर डाल दी हूँ तो उसी की मदद से मैं सारे डब्बे को अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बेसिन में कितने सारे बर्तन हो गए हैं, बाकी सभी लोग लंच खा लिए सिवाय मेरे। तो जब हमारा किचन का सारा काम ख़त्म हो जाएंगे तो ही मैं नहा कर खाना खाऊंगी। तो यहाँ मैं सारे डब्बे को अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ मैं सर पानी से पहले इसे पोंछ लूँगी, उसके बाद सूखे कपड़े के मदद से दोबारा पोंछ लूँगी ताकि जो भी हमारे डब्बे में पानी रह गए हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। और जब हम खाना पकाते हैं या कुछ भी तड़के लगाते हैं तो उस कारण से जो हमारे धुएँ निकलते हैं वही कारण है कि हमारे डब्बे जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। डब्बे गंदे होने का और एक कारण है, हमारा किचन छोटे हैं तो उस कारण से हवा आने और जाने का भी जगह कम है। तो जी हमने जो गीले कपड़े से ऊपर साफ किए थे वो जगह हमारा सूख चुके हैं। तब हम रयान के पापा का हेल्प लेंगे ताकि जो हमने स्टिकर लिए हैं उसे चिपका सके। और पहले मैं यहाँ न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करती थी पर मुझे बार बार निकाल कर बदलना होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ स्टिकर लगा दिया जाए ताकि मुझे बार बार निकाल कर काम करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और स्टिकर को मैं वहीं तक लगाऊंगी जहाँ तक मैं सारे डब्बे को रखती हूँ, क्योंकि जहाँ हम डब्बे रखते हैं वहाँ कभी कभी तेल या मसाले जो भी गिर जाते हैं तो मुझे साफ करने के लिए दिक्कत होती है। तो मैं वहीं तक लगाऊंगी जहाँ तक हम सारे डब्बे रखते हैं। तो अभी मैं और रयान के पापा मिलकर स्टिकर लगा देते हैं। तो जी स्टिकर लगाने के बाद देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो हमने जो सारे डब्बे को उतारते हुए साफ किए थे वो हमारे अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो अभी वही सारे डब्बे को हम उसके प्लेस में रख देते हैं और आगे मैं कोशिश करूंगी कि सारे डब्बे को बदल दूं ताकि जब भी मैं डब्बे को यूज़ करूँ तो मुझे आसानी हो और दिखने में भी अच्छा लगे। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि सारे डब्बे को मैं बदल दूँ। तो यहाँ हमारा ऊपर का जितना भी साफ करने का काम था वो हमारा हो चुका है। तो अब हमारा काम है कि जहाँ हम खाना बना कर रखते हैं वहाँ थोड़े साफ कर दे और चूल्हे को भी। वैसे तो ज़्यादा गंदे हुए नहीं पर हमने जो ऊपर साफ करते वक्त जो थोड़े गंदे थे वो नीचे गिर गए हैं, तो अब हम गीले कपड़े से इसे साफ कर लेंगे। बाकी लोग लंच करने के बाद देखिए यहाँ बर्तन थोड़े गंदे हो गए हैं तो मैं उसे धो लूँगी, क्योंकि खाने के बाद तो मुझे यह काम बिल्कुल करने को मन नहीं होंगे तो मैं अभी कर लूँगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि इतना सारा काम ख़त्म करने के बाद अगर आपको ये काम दोबारा करना पड़े तो आप बिल्कुल करना नहीं चाहोगे। तो मैं ये काम पहले ही कर लूँगी खाने से पहले। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा बर्तन धोने का भी काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी हमारा काम है कि ये बेसिन को अच्छी तरह से धो दे, क्योंकि ऊपर का साफ होने के बाद मुझे नीचे का भी साफ करना है, क्योंकि ऊपर का साफ करते वक्त जो भी गंदे थे वो नीचे गिर गए हैं तो मुझे अच्छी तरह से झाड़ू लगाते हुए पोछा भी लगाना है। सारे बर्तन धोने के बाद हमारा बेसिन धोने का भी काम हमारा हो चुका है। तब हमारा काम है कि किचन को अच्छी तरह से झाड़ू लगा दे। तो अच्छी तरह से किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरे किचन की अच्छी तरह से पोछा भी लगा दूंगी। लास्टली अच्छी तरह से पोछा लगाने के बाद मैं जाकर नहा लूंगी, नहाने के बाद लंच कर लूंगी। तो जी यहाँ शाम का वक्त है तो सभी को गुड इवनिंग। लंच करने के बाद मैंने थोड़े आराम किया और अभी शाम का वक्त है तो मैं अभी कर रही हूँ सासू माँ के बालों में कंघी। तबीयत खराब होने के कारण अभी तक सासू माँ कंघी की नहीं है तो मैं ही कर दूंगी। वैसे तो यह काम मुझे सुबह ही करना था पर समय ना होने के कारण मैंने सुबह नहीं की, पर मैं अभी कर दूंगी। तो मेरे परिवार आज आप लोगों को मेरी ये रूटीन कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए दिन और एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय।